हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक नया कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि मैं कौन सा कैमरा खरीदूं और बहुत सारे कंफ्यूजन है आपके माइंड में कि कौन सा कैमरा मेरे लिए अच्छा रहेगा। और हालांकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये होना भी चाहिए क्योंकि जब भी हम कोई कैमरे की बात करते हैं और ख़ास तौर पर DSLR की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक जगह से नहीं, हम चार जगह से, पांच जगह से, हर जगह से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं और हमारे कोई रिलेटिव होता है तो उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी थोड़ा सजेशन लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा कैमरा बेटर रहेगा। तो उसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो आपके लिए पेश है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस कौन से हमें कैमरा खरीदने चाहिए और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एक तरीके से हमारे लिए बजट फ्रेंडली कौन कौन से कैमरा हैं जो हम खरीद सकते हैं, वो जो कि अंडर 50,000 में आते हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आपके लिए मैं उन भी कैमरे को सजेस्ट करूँगा जो आपके लिए बेटर रहेगा, जैसे कि आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम कैमरा खरीद रहे हो तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं रखता कि आपने कितने हज़ार का कैमरा खरीदा है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आप कम बजट में भी कैमरा खरीदते हो तो उसमें आपको अपनी स्किल पे ध्यान देना है कि आप उस कैमरे से भी क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हो। उसमें कई सारी चीज़ें आती है, फोकस लेंथ कैसा है उसका, उसका मिडरिंग मोड कैसा है, लाइटनिंग कैसी है, उसका डेप्थ कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें आप सीखते हो। तो अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हो और आप एक बजट फ्रेंडली कैमरा चाहते हो जो आपके बजट में भी हो और आपके लिए सही भी हो, ना जस्ट ना कि बस बजट में हो, एक्चुअल में वो आपके लिए सुटेबल भी हो ताकि आप उससे अच्छे से अपनी, अगर आप अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर फोटोग्राफी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड आज की ये वीडियो होने वाली है। तो और मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप उन कैमरा जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनके बारे में, अगर आप वो परचेज करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और वहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से कैमरा हमारे लिए बेटर होंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप देख पा रहे होंगे कि जिन कैमरों की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, तो आप देख पा रहे होंगे ये वही सारे कैमरे हैं। और इनमें से मैं आपको 3 ऐसे कैमरे हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी बिगिनर्स हैं उनको परचेस करना चाहिए। अब बताती है कि कौन सा परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि सोनी का DSC-W830 साइबर। तो ये जो कैमरा है ये आपको बहुत ही मिनिमम आप अमाउंट में देखने को मिलेगा। अगर आपका बजट स्टार्टिंग में थोड़ा कम है तो आप इस कैमरे को परचेज कर सकते हो। इसके अगर हम स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी, इसमें 20 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिलता है जो कि एक इतने कम अमाउंट में अगर आपको ये मिल रहा है तो आई थिंक आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और अगर हम इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि इसका जो जूम है, जो लेंस का जूम है वो भी इसका बहुत अच्छा है। और शूटिंग मोड्स में अगर हम देखें तो इसमें पैनोरामा और ऑटोमेटिक दोनों चीज़ देखने को मिलती है। और जब अगर आप कोई शूट कर रहे हो तो उस टाइम यहाँ पर इसका जो फोकल लेंथ है, जो ये मैं हाईलाइट कर दूँ, फोकल लेंथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4.5 to 36 mm तक है, जो कि इस कैमरा को और भी ज़्यादा इसका
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्या क्या चीजें हमें इस सीखनी पड़ क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं, और जो स्किल सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो उसी से रिलेटेड ये चीज है कि फोकल लेंथ आपको इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और साथ ही इसका कंपेंसेशन भी आपको देखिए बहुत ही इस तरह का देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर हम इसका ऑप्टिकल जूम जूम की बात करें तो ये 8x तक करता है, और इसका स्क्रीन टाइप अगर हम देखें तो 6.7 सेंटीमीटर तक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कैमरा जो मैंने बताया। मैंने बात की थी कि मैं तीन ऐसे कैमरे बताऊंगा जो आपके लिए बजट फ्रेंडली भी होंगे और साथ ही आपके लिए बेस्ट भी होंगे। तो ये नंबर वन था। नंबर टू अगर मैं बात करूं, अगर आपका थोड़ा सा इससे बजट ज़्यादा है तो आप सोनी का W800S21 सोनी का W800S आप देख सकते हो। इसकी अगर हम बात करें, ये डिजिटल एक कैमरा है, और इसमें क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। इसका मॉडल नेम आपको देखने को मिलेगा सोनी W800S 20.1 MP डिजिटल कैमरा, और ब्रांड है सोनी, फॉर्म फैक्टर कॉम्पैक्ट है जो कि एक बढ़िया है, और स्किल लेवल की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल तरीके से आप इस कैमरे से शूट कर सकते हो। कलर इसका सिल्वर देखने को मिलेगा, और JPEG क्वालिटी इसमें बढ़िया है, बेसिक फाइन नॉर्मल तीनों मिलती है आपको, और ऑटो इसका वाइट बैलेंस है। और साथ ही अगर हम इसके और भी चीज़ों की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलती है, वो ये है कि इसमें HD इसका जो HD में आप 5x तक इसका ऑप्टिकल जूम है, और साथ ही इसका आप वीडियोस कैप्चर कर सकते हो 720p HD में। और तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और साथ ही अगर हम ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट हो गया जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो, और इसके बारे में भी आप थोड़ा सोच सकते हो। और अगर इससे ज़्यादा आप का बजट थोड़ा सा ज़्यादा है और आप एक अच्छे कैमरे की बात कर रहे हैं कि आप को मतलब जिसमें ज़्यादा आपको फीचर्स मिले, ज़्यादा उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरी हुई हो, तो आप इस कैमरे को देख सकते हैं कि जो सोनी का RX100M3 प्रीमियम कॉम्पैक्ट कैमरा है, और ये आपको करीबन 50,000 के करीबन आपको इसका प्राइस देखने को मिलेगा। तो इसकी इसकी क्या क्या खास बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसके मॉडल नेम की बात करें, साइबर शॉट इसका नाम है, कलर इसका ब्लैक है, इमेज फीचर स्पेशल फीचर क्या है इसमें वो है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, कि इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत खास बात है इस कैमरे की, 50,000 के अंडर आपको मिल रहा है, तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया है आपके लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप और आपका बजट भी अच्छा खासा है तो आप इस कैमरे की ओर जरूर देख सकते हैं। आप इस कैमरे को परचेज भी कर सकते हो, और इसमें अगर हम मेगापिक्सल की बात करें तो 20 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलेगा। अगर इस कैमरे की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका इमेज स्टेबलाइजेशन इसका बहुत अच्छा, इसमें आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं। और तो ये तीन थे जो कि मैंने आपको बताया, तो उनमें अगर मैं अपने अगर मेरा जो पर्सनल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ओपिनियन से कौन सा अगर स्टार्टिंग में बात करें वो कौन सा ऐसा कैमरा है जो अच्छा रहेगा, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो 30-35,000 के अंडर में जितने भी कैमरा आपको देखने को मिलते हैं, हालांकि वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जैसे उनमें से एक ये है, तो ये सारे जितने भी कैमरा होते हैं ये आई थिंक आपके लिए बेटर रहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आप फोटोग्राफी करना चाहते हो या फिर आप वीडियोग्राफी के लिए कैमरा को यूज़ करना चाहते हो, तो हमें कई बार होता है कि हमें कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो फोटोग्राफी के लिए बेटर रहते हैं, ऐसे होते हैं जो वीडियोग्राफी के लिए अच्छे रहते हैं, और कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं जो दोनों के लिए ही बेस्ट रहते हैं। तो अगर आप दोनों करना चाहते हो
फोटोग्राफी भी और साथ ही वीडियोग्राफी भी, तो इन दैट केस आपको थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो ये तीन जो कैमरा बताया ये मैंने आपके लिए जो आपके बजट के अकॉर्डिंगली बताया, ताकि आपको एक तरीके से कम बजट में आप कैसे एक अच्छा कैमरा ले सकते हो वो मैंने आपको बताया। तो अगर इस कैमरे को आप परचेज करना चाहते हो जो मैंने अभी बताए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा, और आप अगर अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी कैमरे हैं, आपका बजट ज़्यादा है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर जो भी कैमरा मैंने आपको बताए हैं आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को चेकआउट करो, और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की जो और भी वीडियोस आएंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।